गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अच्छे से हैं? ओके, तो बच्चों अपने सेहत का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि अनावश्यक रूप से कहीं भी बाहर घूमने न जाएं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें, इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा है और उस ठंडी को ध्यान में रखते हुए आप घर पर ही रहें। और इस घर से याद आया कि आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो इसी घर पर ही आधारित है। तो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आप देखते होंगे बच्चों तरह तरह के घर बने होते हैं। पहला तो ये आप अपने शहर में देखते हैं और दूसरी हिंदुस्तान में जगह जगह आप घूमने जाते हैं वहाँ तरह तरह के घर बने, कहीं घास फूस के होते हैं, कहीं की छत स्लैंटिंग होती हैं माने ढलावदार होती हैं, कहीं की फ्लैट होती हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की छतें होती हैं और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसको बनाने में। तो बच्चों आज ईवीएस में हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। तो ईवीएस में बच्चों हम जो नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं वो है अ हाउस लाइक दिस। तो इसमें बच्चों इसके पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, इसमें एक स्टोरी है जिसको कि हम आपको पहले बताएंगे। ओके, तो उस स्टोरी शुरू करते हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जिनको कि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, तो पहला है माई नेम इज नसीम। यहाँ पर नसीम है जो ये है, तो नसीम कहते हैं मेरा नाम नसीम है एंड आई लिव इन श्रीनगर, और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। कल से ढेर सारी एक्टिविटी हमारे स्कूल में हो रही है। इट विल लास्ट फॉर ए वीक, और ये जो है एक्टिविटी एक सप्ताह तक चलेगी। डू यू नो वाई? अब आप जानते हैं क्यों? क्योंकि क्यों चलती है? देयर इज ए कैंप बींग हेल्ड इन आवर स्कूल। वहां पर हमारे स्कूल में एक कैंप होने जा रहा है जिसकी की तैयारियां चल रही हैं और ढेर सारी एक्टिविटीज वीक लॉन्ग चलेंगी। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप, और अलग अलग जगहों से बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे जो कि कैंप लगाएंगे। एंड टेंट्स हैव बीन पिस्ड ऑन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, और ग्राउंड में मैदान में टेंट लगा दिए गए हैं कि जितने भी बच्चे आएंगे वो सब वहाँ ठहर सकें। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं ग्राउंड में तरह तरह से ये टेंट बना दिए गए हैं जिनमें कि उनको स्टे करना है। नाउ वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, हमने स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। बच्चों आप ये जानते हैं कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है घर में ही, तो आप अपने घर की साफ सफाई करते हो और अच्छे से उसको सजाते हो। तो इन द सेम वे ये जो माने एक्टिविटी है हम अपने स्कूल में भी करते हैं, क्योंकि चूँकि बच्चे कैंप करने के लिए आ रहे हैं इसलिए उनके स्वागत के लिए और उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो इसलिए हम उसको अच्छे से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, सभी समस्याओं को दूर करते हैं और उनको देखने में अच्छा महसूस हो इसलिए उनको हम अच्छे से डेकोरेट भी करते हैं। सम चिल्ड्रेन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स। तो बच्चों इसमें कुछ बच्चों ने कपड़े की पीसेस का इस्तेमाल करके स्ट्रीमर बनाए हुए। बच्चों स्ट्रीमर वो होता है कि जैसे कपड़ों की झालर आजकल शादी ब्याह में आप देखते हैं कि उसको लगा करके दरवाजों में और खिड़कियों में लटका दिया जाता है, तो वे सुंदर लगता है। तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़ों का इस्तेमाल होता है। तो सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग आलमंड सेल्स व्हाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट। कुछ बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं आलमंड सेल्स का, माने जो बादाम होती है बादाम के जो ऊपर छिलका होता है उसको आलमंड सेल्स बोलते हैं। वो शेल मीन्स होता है बच्चों जो कि अंदर जो चीज़ है उसकी वो प्रोटेक्ट करती है उसको। तो बादाम की रक्षा करने के लिए जो कवच होता है उसको शेल बोलते हैं।
तो उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पोस्टर भी बनाए हुए, वाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई ब्लेड्स एंड सॉडस्ट, और बालू का और सॉडस्ट माने ये जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको भी सॉडस्ट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके और सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करके माने रंगोली बनाया हुआ है। अब आगे, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज कैंप का पहला दिन है, एंड वी आर वेरी हैप्पी, और हम बहुत प्रसन्न हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गेट टूगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, और हम सब बहुत प्रसन्न हैं। इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह वी ऑल गेट गॉट टूगेदर माने हम सब इकट्ठे हुए, एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, और सभी लोग ग्राउंड में एक सर्कल बना करके, सर्किल ऐसे बना करके उसमें बैठ गए। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम, और हम सभी वहाँ बैठ गए और बैठ करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आया है उसके बारे में बताया हमने। एंड वॉट आर लाइक टू ईट, और क्या हम खाना चाहेंगे या हम खाना चाहते थे वो सब हम लोगों ने बताया। ईच ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम, और उनमें से सभी ने जो है अपने घर से अपने फैमिली की, परिवार की और घरों की पिक्चर लेकर के आए थे। एवरी वन स्पोक अबाउट देयर होम्स, और हर कोई अपने घर के बारे में बोला। भूपेंस ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, और उन लोगों में से जो भूपेन का ग्रुप था उसने सबसे पहले बोला। तो भूपेन क्या बोलते हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड, भूपेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम, मैं आसाम के मोलन विलेज से, गांव से आया हूँ, एंड इट रेन्स हैवली इन अवर प्लेस, और हमारी जगहों पर जहाँ पर मैं आया हूँ आसाम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हेंस अवर हाउसेज आर मेड ऑफ मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, और हमारे जो घर हैं वो ग्राउंड से मैदान के लेवल से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों इस चित्र में कि ये बम्बू के पिलर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये घर बना हुआ, देख रहे हैं ये घर बना हुआ, और इसमें घास फूस का इस्तेमाल किया गया है, और ये देखिए इसमें ये लैडर भी लगी हुई है, सीढ़ी भी लगी हुई है जिससे कि ग्राउंड से उस पर चढ़ करके ऊपर जाया जा सके। और बच्चों इसमें एक और विशेषता होती है, वो ये है कि इस लैडर को रात में इसको यहाँ से फोल्ड करके और ऊपर समेट करके रख देते हैं ताकि कोई जंगली जानवर आकर के नुकसान रहने वालों को न पहुँचा सके, तो इसकी ये विशेषता होती है। तो आगे देखते हैं बच्चों, हेंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, माने जो घर हैं वो ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने थे, एंड दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर, और ये सब इन्हीं मजबूत बांस के पिलर्स बना करके इनका माने घर बनाए जाते हैं। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और जो इन घरों का अंदरूनी भाग है वो भी देखिए बच्चों वो लकड़ी के ही बने होते हैं। तो बच्चों इसमें तो ये जो है ये इस तरीके से ये इसमें ये सब लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है, और इन इसमें एक और विशेषता आप देखिए बच्चों, इनकी जो छत है वो स्लैंटिंग है, दो तरफ से वो ट्रेंगुलर रूप में है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों वहाँ पर पानी बहुत बरसता है जिसकी वजह से पानी स्लिप करके नीचे जल्दी से जल्दी गिर जाए ताकि छत में इकट्ठा ना हो सके। तो ये था बच्चों जो कि भूपे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया
और आसाम की एक घरों की विशेषता बताई। तो अब बच्चों इसमें क्वेश्चन है जिसको कि हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो जहां भूपेन जिन घरों में रहता है तो वो घर बम्बू के पिलर्स बांस के पिलर्स पर क्यों बनाए जाते हैं। तो बच्चों अभी मैंने पढ़ाते समय बताया कि वहां पर जंगली जानवरों के आने का खतरा रहता है और पानी वाटर लॉगिंग फ्लड हो जाता है भर जाता है जिससे बचाने के लिए वो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं जिसमें कि बैम्बू पिलर्स का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों आंसर होगा इन आसाम वेयर भूपेन लिव्स इट रेन्स हैविली सो टू सेव हाउस फ्रॉम फ्लडिंग माने बाढ़ से बचाने के लिए द हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। तो वो क्या कहते हैं घर हैं वो बैम्बू पिलर्स के बढ़ाए जाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर पानी का भराव ना हो भराव होता है जिसकी वजह से उससे बचाने के लिए कि घरों में पानी ना घुसे वो बैम्बू पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेस हैव उनमें रूफ जो छतें हैं वो किस प्रकार की होती हैं व्हाई आर दे मेड लाइक दिस और वो ऐसी क्यों बनाई जाती हैं। तो आंसर होगा दीज हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स जो उनके घर हैं उसमें घरों में जो छत होती है वो स्लैंटिंग होती है स्लोपिंग होती है इसलिए सो दैट रेन वाटर कैन स्लाइड ऑफ वेरी इजली एंड डजंट गेट कलेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द रूफ और इसलिए होती है क्योंकि स्लैंटिंग होने से वहाँ पर पानी कलेक्ट नहीं होगा और छत में जल भराव नहीं होगा और आसानी से स्लिप ऑफ करके फिसल करके ग्राउंड में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वन अनदर दीज हाउसेस एंटर सॉरी व्हाई डज वन एंटर दीज हाउसेस और हाउ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेस और उस घर में कैसे लोग एंटर करते हैं। मैंने बताया था बच्चों कि पीपल एंटर टू दीज हाउसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फोल्डेबल लैडर छोटी और फोल्डिंग होने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल करके उसमें एंटर करते हैं। नाउ एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेस कैन यू टेल व्हाई वहाँ से रात में उस लैडर को रिमूव कर दिया जाता है हटा दिया जाता है क्यों। तो बच्चों मैंने बताया था क्योंकि जंगली जानवर सुरक्षा के लिए उसको फोल्ड कर लेते हैं मोड़ लेते हैं ताकि जंगली जानवर चढ़ करके और उन वहाँ रहने वालों का नुकसान न कर सके। तो आंसर होगा बच्चों द लैडर इज रिमूव्ड टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स टू एंटर द हाउसेस एट नाइट तो जंगली जानवर माने वो एंटर न कर सके इस वजह से वो वहाँ से उस सीढ़ी को हटा लेते हैं। नाउ इट वॉज चमेली टर्न शी सेड अब बारी आती है माने पहले भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया अब बारी आती है चमेली की जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं शी सेड और क्या कहती हैं ध्यान से सुनिए आई हैव कम फ्रॉम मनाली मैं मनाली से आई हूँ। बच्चों आपको मालूम है कि मनाली कहाँ है मनाली है बच्चों हिमाचल प्रदेश में की राजधानी शिमला है और शिमला के पास में ही एक और ये मालूम है ये हिल स्टेशन है वहाँ बर्फ पड़ती है खूब हिमाचल में तो उसी की जो राजधानी है शिमला के पास में ही मनाली है विच इज़ अ हिली एरिया जो कि पहाड़ी एरिया है एट अवर प्लेसेस इट रेन्स हैवली और वहाँ पर तेज बारिश होती है एंड स्नोज एज वेल और वहाँ पर बर्फबारी भी बहुत होती है व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड और जब वहाँ बहुत ठंडाई होती है तो वी लाइक टू सिट इन द सन हम लोग सूर्य की रोशनी में सूर्य के नीचे यानी उसके संपर्क में रहना पसंद करते हैं और हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन
और वुड, और हमारे जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ियों के बने होते हैं। तो बच्चों ये देखिए घर बना हुआ है, यहाँ देखिए ये सफ़ेद छोटी छोटी बूंदें हैं जो कि ये शो कर रहा है कि बर्फबारी हो रही है। और ये पौधा देखिए, पेड़ है वहाँ, इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं। और ये रूफ देखिए, यहाँ भी इस तरीके से स्लेंटिंग है और इस पर देखिए बर्फबारी है। तो ये स्लेंटिंग होने से जो इसमें जो बर्फ गिरती है वो स्लिप करके आसानी से नीचे ग्राउंड में गिर जाती है ना। तो अब इस पर क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन विच एरिया इज चमेली हाउस, किस एरिया में चमेली का घर है। अभी बताया था चमेली जो है मनाली से आई है, तो आंसर यही होगा, चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया। चमेली का जो हाउस है वो मनाली में है जो कि एक हिली एरिया है। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेंस हाउसेज। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भूपेन के घर भी स्लोपिंग वाला होता था, और अभी देखा आपने चमेली के भी ये होता है, तो ये इसमें क्या यही सिमिलरिटी है, यही इसका आंसर होगा। बोथ द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स, दोनों घरों की एक सिमिलरिटी है, एक रूपता है कि दोनों की जो छतें हैं वो स्लोपिंग हैं, सो दैट रेन्स एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ ईजली, और इसलिए कि वहाँ पर बर्फ और पानी जो है आसानी से स्लाइड ऑफ कर जाए। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज, और उनका जो माने छत किस प्रकार से ऐसे उसमें मदद करती हैं। सरच रूफ्स डज नॉट अलाउ रेन और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ, और इस तरीके की जो छतें हैं वो बर्फ या पानी को कलेक्ट करने से रोकती हैं, वो नहीं करती हैं। तो बच्चों ये था आज का काम जो कि हमने आपको बताया, और इनके क्वेश्चन आंसर्स को मैं फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और अपनी कॉपी पर आप लिख लीजिएगा, और ये जो चित्र हैं स्लोपिंग रूफ के ये आप अपनी कॉपी पर अवश्य बना लेंगे। ओके, थैंक यू।